हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल गूगल्स मस्ती। सो फ्रेंड्स, फाइनली 2 हफ्ते के बाद अभी हम बेंगलोर रिटर्न जा रहे हैं और इसीलिए 3:30 बजे सुबह के 3:30 बजे से उठ के हम रेडी हो रहे हैं। अभी 4:30 बज गया है और इसलिए ज़्यादा सारा सामान हमने रात को भी पैकिंग कर लिए थे, मतलब कार में रख लिए थे। और जो अभी जो जा रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं, मतलब सुबह सुबह जो जा रहे हैं, क्योंकि मतलब अंधेरे में ही निकल रहे हैं क्योंकि वो जो रोड कंडीशन थोड़ा ख़राब है बीच बीच में, और अगर ऊपर से अगर भीड़ हो जाता है तो और भी दिक्कत हो जाता है ड्राइविंग के लिए। इसीलिए ही थोड़ा अभी वो 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है NH16 तक, वो उसी को ही थोड़ा जल्दी कवर करने के लिए ही हम इतने अंधेरे में ही मतलब 4:30 बजे ही निकल रहे हैं, 4:45 बजे। देखिए कितना अंधेरा है, उसी में ही हम निकल रहे हैं। और देखिए दोस्तों, हमारे घर से बेंगलोर का जो बेंगलोर वाला हमारा जो घर का डिस्टेंस 1416 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 4:45 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो चले उड़ीसा टू बेंगलोर। तो दोस्तों, आज कार्तिक पूर्णिमा का पंचुक का फर्स्ट डे है, मतलब आज से ही पंचुक स्टार्ट हो रहा है और इसीलिए आप देख सकते हैं कितने डेकोरेशन वगैरह सब स्टार्ट हो गया है कार्तिक पूजा के लिए। और ये जो एरिया है ये है बांकी रगड़ी, तो यहाँ का ये फेमस है, मतलब ये फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाते हैं यहाँ पर, मतलब कार्तिक पूजा का जो फेस्टिवल यहाँ पर बहुत अच्छे से मनाते हैं। और इसलिए देखिए सब स्टार्ट हो गया है, पंडाल डेकोरेशन, लाइट्स, सब कुछ। और यहाँ पर मेरे ननन का भी घर है तो जाते जाते उनको भी मिलकर जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना फॉग है, सुबह के 5:15 हुआ है और इतना फॉग कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और गाड़ी भी बहुत स्लो जा रहा है, मतलब 20-30 स्पीड में ही जा रहा है, ज़्यादा नहीं। तो फाइनली अब हम NH16 पकड़ लिए हैं खुर्दा में, और हमारे घर से यहाँ का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर का डिस्टेंस और हमें लगा 1.5 घंटा लग गया हमें यहाँ पर आते आते। घर से निकले थे 4:45 को और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें 6:15 हो गया है, मतलब 1.5 घंटा लगा 40 किलोमीटर। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि रोड कंडीशन कैसा होगा और हम क्यों इतने जल्दी निकले हैं। तो दोस्तों अभी हम बरमपुर में हैं और 8:30 बज गया है,
इसलिए थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और घर में घर से मैंने घर से पूरी और सब्जी बना के लेकर आए हैं, तो उसी को ही अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद टैंक भी फुल करना है, मतलब कार में पेट्रोल भरना है, क्योंकि इसके बाद मतलब 10-15 किलोमीटर के बाद आंध्रा स्टार्ट हो जाएगा, और आंध्रा में पेट्रोल रेट थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ से ही टैंक फुल करके जाएंगे। और ये देखिए 185 किलोमीटर आने के बाद हमने टैंक फुल किया है, और यहाँ से हमारे बैंगलोर वाले घर का डिस्टेंस जो है वो है 1251 किलोमीटर। ये देखिए, तो अभी चलें। और फाइनली अब हम आकर पहुँच गए हैं उड़ीसा आंध्रा बॉर्डर में। और ये देखिए, यहाँ पर उड़ीसा एंड हो रहा है और आंध्रा स्टार्ट हो रहा है, और इसीलिए देखिए आंध्रा पुलिस हमारे कार चेक कर रहे हैं, देखिए डिक्की चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नंबर प्लेट है, मतलब हमारा जो कार है वो कर्नाटका का है, तो इसीलिए नंबर प्लेट कर्नाटका का है, और सेफ्टी के लिए उनका ड्यूटी है चेक करना, तो वो कर रहे थे। तो दोस्तों, हमारा ये जो रोड ट्रिप है वो 6 टाइम हो गया है, मतलब बैंगलोर टू उड़ीसा 3 टाइम और रिटर्न वाला मतलब उड़ीसा टू बैंगलोर 3 टाइम, तो टोटल मिला के 6 टाइम हमारा हो गया है रोड ट्रिप, बैंगलोर टू उड़ीसा, उड़ीसा टू बैंगलोर। और हम फर्स्ट डे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए सोचते हैं, मतलब हमारा जो डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस होता है 1450 किलोमीटर का, उसमें से हम 800 किलोमीटर का डिस्टेंस फर्स्ट डे में ही कवर कर लेते हैं, और नेक्स्ट डे को कम रखते हैं, 650 तक रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे में जो ट्रैवल करने के बाद आप बहुत टायर्ड हो जाते हैं, इसीलिए नेक्स्ट डे को अगर कम रखेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहता है। तो इसीलिए अभी हमारा अभी का प्लान है कि विजयवाड़ा में हॉल्ट लें, तो इसलिए हमने पहले से ही होटल भी बुक कर लिए हैं, और वो जो होटल का जो डिस्टेंस है, घर से जो होटल का डिस्टेंस है वो है 780 किलोमीटर का, और वहाँ से बैंगलोर वाला घर का जो डिस्टेंस है वो है 650 किलोमीटर का। और उसके बाद का जो रोड है वो बहुत अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट 90% रोड आपको अच्छा मिलता है, बीच में थोड़ा NH71 का जो रोड है वो थोड़ा खराब रहता है, नहीं थोड़ा मतलब इतना नहीं, थोड़ा ये रहता है, नॉर्मल रोड रहता है, नहीं तो अच्छा रोड रहता है, तो आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होता, ज़्यादा टायर्ड भी नहीं लगता, तो इसलिए हम आज का हमारा प्लान है कि विजयवाड़ा तक जाएं। और हमने जो होटल लिए थे वो बुक किए हैं, उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है, तो नेक्स्ट डे मतलब कल हम वहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह करके अच्छे से 8:30-9 बजे तक अगर निकल जाएंगे, तो कल हम घर में मतलब बेंगलोर में 8:30 और 9 बजे तक पहुँच जाएंगे। और ऐसा हमने लास्ट ईयर वाला जो ट्रिप में हमने किया था, मतलब लास्ट ईयर जो हम उड़ीसा से बैंगलोर जा रहे थे, तब भी हमने ऐसा किया था कि विजयवाड़ा में एक होटल में रुके और उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था, तो नेक्स्ट डे अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह करके 9 बजे तक निकल गए थे, तो नेक्स्ट डे 8:30 बजे तक हम बैंगलोर में पहुँच गए, मतलब घर में पहुँच गए थे, तो इसीलिए इस बार भी वही प्लान है, तो देखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम विशाखापट्टनम एंटर कर रहे हैं, और ये देखिए, ये है डाइवर्सन वाला रोड है, मतलब NH16 से डाइवर्सन वाला रोड, और ये रोड जो है मैंने आपको पहले से ही बताया था, मैं लास्ट टाइम जो बेंगलुरु टू उड़ीसा रोड ट्रिप में मैंने आपको बताया था कि ये रोड थोड़ा ख़राब है, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा, बीच बीच में अच्छा रोड मिलता है, पर बीच बीच में जो ख़राब रोड है ना वो बहुत ही ख़राब है रोड है,
और हमने लास्ट टाइम जब इसी रोड में आए थे ना, तो हमने उस टाइम ही सोचा था कि हाँ नेक्स्ट टाइम जब रिटर्न करेंगे तो इस रोड में रिटर्न नहीं करेंगे, 16 में ही रिटर्न करेंगे। पर क्या हुआ ना, लास्ट ईयर हम जब रिटर्न कर रहे थे तब हम इन्हें 16 होकर गए थे, और उस टाइम हम 11:30 बजे इंटर किए सिटी में, और 35 किलोमीटर हमें लग गया 3 घंटा, मैंने 11:30 से 2:30 बज गया, और उसके बाद जाकर हमने लंच किए थे, 3 बज गया था लंच करते करते। और अभी तो आज जो है अभी जा रहे हैं, अभी तो 12 बज गया था, जो इंटर करते करते सिटी में तो 12 बज गया था, तो थोड़ा लेट हो गया था, इसीलिए हम सोचा कि नहीं ये डाइवर्सन वाला रोड जो फास्टेस्ट रूट दिखाता है गूगल मैप में, इसी में ही चलते हैं, तो इसीलिए इस रोड में आ गए हैं। पर इस रोड में बीच बीच में ऐसा रोड आएगा, देखिए देख सकते हैं ऐसा रोड आएगा, और बीच बीच में बहुत ख़राब रोड आता है। और फाइनली अब हम NH-16 में फिर से आ गए हैं, और यहाँ से ऑलमोस्ट 650 किलोमीटर इसी रोड में ही जाना है। तो दोस्तों कुछ टाइम बाद ही हमें ये होटल मिल गया, रोड साइड होटल, और 2 बज गया है, गूगल को भूख भी लग रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर आ गए। तो चलिए देखते हैं। तो फाइनली अब हम लंच करने के बाद निकल रहे हैं, और खाना भी ठीक ठाक था, एवरेज, और होटल का हाइजीन भी बहुत अच्छा था, नॉर्मल होटल के हिसाब से अगर देखा जाए तो हाइजीन बहुत अच्छा था, और खाना भी चिकन थोड़ा हार्ड था, हमने जो बिरयानी मंगवाए थे चिकन थोड़ा हार्ड था, पर टेस्ट के हिसाब से देखे तो एवरेज था। तो अब टी ब्रेक का टाइम, क्योंकि ट्रैवलिंग में टाइम बहुत टायर्ड लगता है, और इसलिए बीच बीच में चाय पीना भी जरूरी है, स्पेसिफिकली लंच के बाद तो बहुत ज़्यादा टायर्ड लगता है इसीलिए। तो अभी हम शाम को यहाँ पर रुके हैं, राजमुंड से थोड़ा 30-40 किलोमीटर पीछे, सिटी से थोड़ा 30-40 किलोमीटर पीछे ही हम रुके थे, क्योंकि सिटी के अंदर अगर चले जाएंगे तो पार्किंग, कार पार्किंग वगैरह में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए इस ऐसे वाला जगह खाली जगह देख के रखना चाहिए, जहाँ पर मिलता है ऐसे खाली जगह में अगर चाय वगैरह का स्टॉल वगैरह है तो वहाँ पर रख के आप पी सकते हैं। Thank you.
तो फाइनली अब हम सेकेंड टाइम जो पेट्रोल भरने का टाइम आ गया है, लास्ट लास्ट वाला हमने बरमपुर में ही डाले थे, टैंक फुल किए थे, और अभी एल्लूर और विजयवाड़ा के बीच में ही ये पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल में ही अभी आए हैं। और यहाँ पर आने के बाद हमें थोड़ा इंजन थोड़ा गर्म होता है, इसलिए 10-15 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए, तो इसलिए हमने थोड़ा 10-15 मिनट के लिए साइड होकर खड़े थे, और उसके बाद ही जाकर हमने टैंक फुल किए। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पेट्रोल रेट 111 है, मतलब 111 रुपीज़ है, और उड़ीसा में 104, तो 7 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो इसलिए ही हमने उड़ीसा में ही बरमपुर में ही टैंक फुल कर लिया था। तो दोस्तों ये देखिए, 755 किलोमीटर के बाद हम यहाँ सेकेंड टाइम टैंक फुल कर रहे हैं। इससे पहले 185 किलोमीटर में हमने टैंक फुल किया था, मतलब हमारे कार में पेट्रोल था पर उस टाइम जितना खाली था उसमें टैंक फुल किए थे। और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमारा मतलब 20-30 किलोमीटर ही पहले ही हम सोच रहे थे कि टैंक फुल करवा दें, मतलब पेट्रोल भरवा दें, और हमारा बेस्ट प्रेफरेंस था इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प, इसलिए हमने 2-3 पेट्रोल पम्प को छोड़ दिया कि हमें आगे एक मतलब गूगल मैप में दिखा रहा था इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प है, तो इसीलिए। पर वहाँ पर जाने के बाद वो पेट्रोल पम्प ही नहीं था वहाँ पर, मतलब गूगल मैप में दिखा रहा है यहाँ पर एक पेट्रोल पम्प है पर वहाँ पर नहीं था। दोस्तों हमारा जो होटल है, मतलब विजयवाड़ा में हम जहाँ पर होटल बुक किए हैं वो थोड़ा सिटी के अंदर है, इसीलिए हम अभी सिटी के अंदर जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी रात का 8:45 टाइम हुआ है और अभी हम होटल में आकर पहुंच गए। और ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा होटल, और हम 780 किलोमीटर का डिस्टेंस 14 आवर में कंप्लीट किए। और ये देखिए, ये है हमारा रूम, मतलब होटल में जो रूम हमने जो रूम बुक किया है, ये देखिए बहुत अच्छा है, सब फैसिलिटी है, और ये बाथरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन है, और गर्म पानी भी आता है, मतलब ऑल टोटल देखा जाए होटल बहुत अच्छा है। और ये अभी हम आए हैं होटल के रेस्टोरेंट डिनर के लिए, मतलब रूम सर्विस भी है पर हमने सोचा थोड़ा रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी ये वाला ब्लॉग का यहीं पर एंड कर रहे हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।